ଏଭଳି ହିଂସାର ଶିକାର ପୁରୁଷ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଖାରଜ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ମହିଳା କରୁଛନ୍ତି କି ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର? ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା 86ର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। जज का रवैया तो काफ़ी, जिस ढंग से उन्होंने, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक वीडियो भी बना के उन्होंने सारी बातें कही हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट इस पर चुप नहीं बैठेगा। हाईकोर्ट निश्चित तौर पर जो भी महिला न्यायाधीश रही होंगी उन पर एक्शन लेगा। ये प्रावधान जो कानून का होना चाहिए उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो बिफोर लॉजिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कंप्लेंट लॉज करने के पहले एक इंक्वायरी हो। अगर प्राइमा फेसाई केस पाया जाता है, जो भी एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, तब जाके उसको एफआईआर लॉज किया जाए। बहुत से मामले, पारिवारिक मामले मेडिएशन से सॉल्व हो सकते हैं। मध्यस्थता की आवश्यकता है, उसमें उसको कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर कानून में माकूल बदलाव कर दिया जाए। बेंगलुरु आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष के विरोध में स्त्री और सासुघर लोक जौतुक निर्यातना अभियोग आनी। ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଅତୁଲଙ୍କ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ସେ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅତୁଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 86କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଅତୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ 8ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା अभिजोग हुई छी। जैसा होगा जांच में पद जांच होनी चाहिए। इसकी जांच के लिए ये कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जहां तक ये बात सही है कि कई बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिसमें पुरुष लोग प्रताड़ित होते हैं, वो हमारे कोर्ट में भी आते हैं, तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। जैसे आपकी पत्नी गई है घर से, हो सकता है आपके कल एलिगेशन लगाए, उससे पहले आप पुलिस में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एक कोर्ट में एप्लीकेशन दे दीजिए। ताकि, और वैसे कानून ये काफ़ी पहले सख्त था, अब कानून ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए ही होता है। पहले तो जैसे ही महिला एफआईआर करती थी तुरंत उसका परिवार, उनका पुरुष सब जेल में चले जाते थे, लेकिन काफ़ी कुछ कानून सही हुआ है, यही चीज़ को देखते हुए हुआ है। केवल अतुल सुभाष नुहे, आत्महत्या करुवा 10 रु 7 जन पुरुष होता एनसीआरबी रिपोर्ट तथ्य सामनाकु आसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट अनुसार पुरुष आत्महत्या संख्या वृद्धि पाउथिबा तथ्य चिंता बढ़ाई छि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।